सब्सक्राइब करें लक्ष्मी हाउस टेलरिंग को सिलाई से जुड़ी नई चीज़ सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड नमस्ते। तो आज बताएंगे 10 इंच की आस्तीन पेपर पर सीते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। 10 इंच की आस्तीन हमें बनाकर तैयार रखनी है और पेपर पे पहले सीखेंगे, बाद में कपड़े पे। चलिए ये डबल फोल्ड में हमने पेपर रख लिया है। इस तरह से देखिए 10 इंच ही पूरा पेपर हो रहा है हमारा। अंदर पलटने के लिए पेपर नहीं बचा है, तो वो हम अपने हिसाब से जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो ले सकते हैं। 2 इंच का भी ले सकते हैं, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं जब कपड़े पे कटिंग करेंगे। इतना इतना लेना होगा हमें। तो अभी तो हम फुल 10 ही रखेंगे। ये हमारी मोहरी हो रही है, यहाँ से भी हम 8 लगाएंगे और यहाँ से भी हम 8 ही लगाएंगे। अब हम इसको एक सीधा कर लेंगे स्केल से, इस तरह से, और यहाँ पे भी सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी सीधा कर लिया। इसे पेपर को घुमाते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम काट के निकाल देंगे। चलिए पहले लगाते हैं हम मोहरी। मोहरी हमारी 5 इंच की है, 5 इंच की बिल्कुल फिट रहेगी। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये मार्जिन के लिए लिया है। अब यहाँ से लगाएंगे हम 3 इंच पे, ये 3 इंच पे है, और 1 इंच यहाँ से लगाएंगे। इसे सीधा कर लिया। एक इंच हमें यहाँ पे लगाना है। अब इसको देना है सेव। आज जब हम कटिंग करते रहते हैं तो अपने आप ही पता चल जाता है हमें कहाँ से सेव देना है, बहुत अच्छा ढाल आता है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच का गैप देना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसे हम फ्रंट पार्ट में ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। इसे थोड़ा डार्क करेंगे। इसे भी हम सीधा कर लेंगे सही से। इसको इससे मिलाएंगे जो मोहरी वाला निशान है और हमारे बगल के साइड निशान है, उसको हमने मिला दिया है। इसे यहाँ से मिलाएंगे। तो इस तरह से हम लगाते हैं आस्तीन पे निशान, इसी हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत इजी है आस्तीन के निशान लगाना। इस हिसाब से हम किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। 10 इंच की तो हमारी बिल्कुल फिट आस्तीन है ये। पहले हमें काटनी है बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग, और जो हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया है उसको हम आस्तीन खोलकर काटेंगे। अब हम आस्तीन को खोलेंगे, इस तरह से नहीं हो पाएगी कटिंग। हो गई, चलो। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो बहुत सरल है आस्तीन की कटिंग, बहुत ही इजी है। देखिए फिर से देखते हैं, पूरी 10 इंच की आस्तीन है हमारी।
तो ये हमारी छोटी सी वीडियो आप सबके लिए ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड। यहाँ से भी दिखाते हैं और बहुत हेल्पफुल है। इस तरह से हम आस्तीन की कटिंग करते हैं, देखिए खोल के भी दिखा सकते हैं बहुत अच्छे से। ये हम इस तरह से कटिंग करते हैं आस्तीन की। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया उसके लिए दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।